dang dag dagade dang dag dum dang dag dagade dang dag dum dang dag dagade dang dag dum dang dag dagade dang dag एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए वो कुछ नहीं, वो कदम किसी मुकाम पर जो जम गए वो कुछ नहीं। आप देख रहे हैं मधुबाला पॉलिटिक्स का प्याला। उलाला मधुबाला आ गई है कोलांचल में। ये है काले हीरे का खदान। क्या है खदान? दांग दग दगड़े दांग दग दूम दांग दग दगड़े दांग दग दूम दांग दग दगड़े दांग दग दूम दांग दग दगड़े दांग दग। ये जो धनबाद क्षेत्र में कांग्रेस ने एक बहुत पुरान का खिलाड़ी को उतारा है। अरे सचमुच का खिलाड़ी, क्रिकेट में वो बहुत बड़के खिलाड़ी रह चुके हैं। उनके हाथ में अपना बल्ला थमा दिया है। और बीजेपी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी, उन्होंने भी एक बहुत ही जानकार आदमी के हाथ में बॉल थमा दिया है। अब दोनों मिलके कांग्रेस भाजपा कैसा बैटिंग बॉलिंग करते हैं, ये जनता भी देखेगी और मधुबाला भी देखेगी। का सही बोले है कि नहीं, हम लोग भी देखेंगे। चुनाव तो आने दीजिए, तब तक हम लोग सवाल कर लेते हैं। आइए में हाल बेहाल की हाल एकदम चकाचक। गर्मी तो खैर ये प्राकृतिक है, लेकिन जो नेता लोग का मार झरियावासी पर पड़ रहा है उसका क्या? वो तो सबसे ज्यादा हम लोग के लिए दुखद है ना। क्यों, उन लोग कौन सी मार मार रहे हैं आप लोग? पूरा प्रदूषण पर झेलने को विवश कर रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं हम लोग। यहाँ पर बिजली की वही समस्याएं हैं, तो जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो उसको उसकी सुविधा देनी है जनप्रतिनिधि, उसकी जिम्मेवारी है, और उसके लिए भी हम लोग आज यहाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे कोयला का जगह है, तो कोयला से हाथ भी काले हो रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा जमीर भी काला है लोगों का, ऐसा कुछ है क्या? इसमें जनप्रतिनिधि की जमीर काला है, क्योंकि जो बीएसएल और जो आउटसोर्सिंग जो कंपनी है उन लोगों के साथ साझेदारी है लूटने में, और ये कोयला के जितने आउटसोर्सिंग है सारे में उन लोगों की साझेदारी है। यही वजह है जो आज बीएसएल का जो सीएसआर की जिम्मेवारी भी है, जो उसको सीएसआर के तहत जो यहाँ का मूलभूत सुविधा आम जनता को उपलब्ध करानी है, वो बीसीएल अपने जो है वो जनप्रतिनिधि जो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि है उसको अपने हिस्सा ऐसा लगता है कि लोग ही काम करते हैं वहाँ खदान वगैरह में, कोयला में हाथ काला, शर्ट काला, मुंह काला करते हैं, लेकिन उन लोगों को सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया है। बिल्कुल, सारे लोग यहाँ जो 8 किलोमीटर के रेडियस क्षेत्र में जो वो उत्पादन कर रही है, और उस क्षेत्र में सारा शिक्षा से लेकर के पानी बिजली सारा सुविधा उसको देना है बीसीएल को, पर वो नहीं दे रही, वो उसके हिस्सा जो है जनप्रतिनिधि को पहुंचा रही है। आप क्या काम करते हैं सर? ऑटो चलाते हैं मैडम। तो कैसा कमाई हो जाता है? कमाई होता है, लेकिन बहुत हम लोग का दुख होता है, गाड़ी लगाने का जगह नहीं रहता है। धनबाद में हम लोग का गाड़ी उड़ी पकड़ लेता है, कहीं भी सवारी रोकते हैं तो गाड़ी पकड़ लेता है, स्टैंड नहीं हम लोग का। तो पहले 5 साल पहले आपकी हालत इससे अच्छी थी कि अभी अच्छी है? वही हालत है। वही हो आए, लेकिन ये जो हालत है वो सुधरने का नाम नहीं, नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग गाड़ी का लाइन नहीं सुधर रहा। गाड़ी का लाइन नहीं सुधर रहा? सब लाइन ठीक है, हम लोग का गाड़ी का लाइन नहीं सुधरता। कभी गाड़ी कहीं भी खड़ा करते हैं तो प्रशासन तंग करती है, गाड़ी हटाओ। हम लोग क्या करें? कैसा हाल है देश का, यहाँ दरिया का? देश का तो हाल बहुत अच्छा है, जो 70 साल में नहीं हुआ मोदी जी 5 साल में करके दिखाए हैं। अरे बाबा, तो ये दुख में इन लोग हैं और आप इधर बोल रहे हैं, पहचान कर रख रहे हैं। क्या करके दिखाएं, वो नहीं जानना चाहेंगे। बोलिए। वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री बीफ कारोबार इंडिया को बनाया, यही किया है 1 नंबर में मोदी सरकार। आपका स्थिति सुधरा, आपके घर की हालत बदली? कुछ नहीं सुधरा, यहाँ तो धूल इतना उड़ रहा है, रात को ब्लास्टिंग होता है, पूरा पत्थर जिसके तिसके घर में गिर रहा है। न यहाँ का सांसद आते हैं, न यहाँ के विधायक आते हैं, न मेयर आते हैं। सर जी, ये आपका फोन इम्पोर्टेंट है कि मधुबाला से बात करना इम्पोर्टेंट है? आप डिसीजन लीजिएगा अभी तुरंत। ऐसा बात है, अभी मधुबाला से बात हो रही है, आप फोन वहाँ रख दीजिए। हाँ जी बोलिए। पहले काट दिए, वो
काटे थे, हमको लगा रिसीव में है। नहीं, नहीं, आप तो जब काट दिए। गलती से बोल गए हम तो। अच्छा बोलिए, क्या काम करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस तो सुधरा होगा अभी 5 साल में। हाँ, बिजनेस तो हमें ये जो GST लगा उससे बहुत राहत है। बहुत लोग तो शिकायत कर रहे हैं भाई GST लगा। हमारे लिए 1 GST जो हो गया ना, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा। आपको लगता है इसके अभी जो चुनाव है उससे कुछ फायदा होगा देश में फिर से जो है? तो होते आ रहा है 4-5 साल से, हो रहा फिर होगा। मतलब उम्मीद है कि? भरपूर उम्मीद है। आप क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं हम। ऑटो चलाते हुए हमें 12 साल हो गया। 12 साल में अभी तक हमारा ऑटो हम चला रहे 12 साल में, और उससे मतलब और खराब हो रहा है पोजीशन। धनबाद का झरिया का पोजीशन प्रदूषण से तो पूरा घर वहाँ वाला प्रदूषण यहाँ कंटिन्यू हो गया है। तो मतलब ये पूरा धनबाद में प्रदूषण फैल गया है। उसके बाद रोड में गाड़ी ना जगह है रोड में लगाने का, इतना ये भी वहाँ वाला जो है इधर हो गया। हाँ जी, वो भैया जी जो बोले दुखद है वो भी आपके साथ हो रहा है, घट रहा है। हाँ, तो जाइएगा ना वोट करने? वोट तो देने जाएंगे। सरकार चुनिएगा ना? हाँ चुनेंगे। बहुत बढ़िया सर जी, आप यहीं से हैं? जी हाँ, हम यहीं से हैं। क्या एकदम एकदम यहाँ देख के बोला है? जी हाँ, हम यहीं से हैं, पहुँच गया। अब बोलिए, सरकार जो है यहाँ के लिए, ये जो इतने मजदूर है, इतने लोग हैं जिन लोग कोयले में अपना हाथ काला करते हैं, तो उनके लिए काहे नहीं सोचती है? ये तो सोचने का काम सरकार की है। हम आपको कहा बोल रहे हैं सोचने के लिए, आप बताइए काहे नहीं सोचते? हमारा सोचने से कुछ होगा? होगा ना, आप ही तो नागरिक हैं। हम नागरिक जरूर है, हम लोग एक दूसरे के सहयोग में पहले से तैयार है, लेकिन सरकार इस पर अमल करे तब तो। देखिए सरकार, जनता जो बोलती है दिल से बोलती है, उनको कोई खरीद के नहीं बुलवाता है। तो आप भी सुन लीजिए कि आप लोग सुनते नहीं है, तो इन लोग बोलना बंद कर दिए हैं। तो मधुबाला इसीलिए ना सबके पास जाती है कि सबसे बुलवाए कि आखिर दुख का है। और आज भी हम लोग का इतना सौभाग्य है जो मधुबाला जी से हम लोग का बात हो रही है। धन्यवाद। अच्छा दीदी जी, आप एक बात बताइए, आपके घर का जो टेस्ट है, सब्जी पाती राशन पानी सब में कुछ बदलाव आया है? नहीं, उसमें तो कुछ बदला नहीं है। महंगा था सस्ता हुआ कि सस्ता है था महंगा हो गया? महंगा हो गया। महंगा हो गया। हाँ, आज जो हम लोग का जो कोयला में जो कोयला लोडर करता है, गाड़ी लोड करता है, ट्रक लोडर, वो भी बंद हो गया। हम लोग भूख आपके पति देव क्या काम करते हैं? जैसे कोयला ट्रक लोडर करता था, वो बंद हो गया घनवाटी में। ओहो, तो अभी क्या करते हैं? अभी मजदूरी करता है, क्या करेगा, मजदूरी करके खाते हैं। कॉल बहुत अच्छा है, बोलिए। क्षेत्र में बंद हुई, इनसे आप पूछिए। देखिए, हम टाटा स्टील में काम करते हैं झरिया डिवीजन में, और देखिए हर एक सरकार में तो ये नहीं कहेंगे कि 99 ही सही है, कुछ सरकार में तो खामियां होती ही है, चाहे वो। लेकिन देखिए, हम इसीलिए इनसे पूछे कि उनके पति देव क्या करते हैं, तो लोडिंग जब बंद हो गया तो खाएगा क्या? बंद करने से पहले कम से कम उनके लिए कुछ तो इंतजाम कर दीजिए, ये सही है कि नहीं? सही है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या है कि क्षेत्र की बात है, यहाँ पर विधानसभा की बात है। यहाँ विधानसभा से बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से कि ट्रक का लोडिंग होता है, वहाँ बहुत से हैं नेताओं का राज सब चलता है, दबंगों का राज सब चलता है। तो इनसे आपको ये पूछना चाहिए कि किस क्षेत्र में वो काम कार्यरत थे, किस क्षेत्र की लोडिंग बंद हुई है, ये सब। एक एक तो सवाल का जो जनरल नॉलेज है वो हमको भी बढ़ गया है कि क्या पूछना चाहिए। मुस्कुराते हुए चेहरे क्या पूछ देगी पता नहीं। आप सुखी हैं? हम दुखी हैं। क्या देखे, ऐसी होती है जनता, मधुबाला को मजा आ जाता है। दुखी हैं आप? काची सरकार दिया, दुखी तो है, मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, न कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से है? कमाना तो पड़ेगा, हम यहाँ पे बकर बकर कर रहे हैं ऐसे ही। मजदूरी 12 घंटा ड्यूटी खट रहे, मजदूरी नहीं पड़ रहा तो क्या करेगा आदमी, क्या कर सकता है सरकार है? यहाँ पे देखे ध्यान देगा क्या? अगर सरकार अपने आप पे ध्यान देगा, बताइए। आप एक काम कीजिए, हम माइक पकड़े रहते हैं, आप अपनी बात बोल दीजिए। हम क्या बोलेंगे, हम जितना हम बोलेंगे उतना तो बहुत काफी है। सरकार अपने लिए देख रहा है, सरकार अपना झोली देख रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हम लोग गरीब आदमी खट रहे, जिस उपाय उसको दे रहे हैं। देखिए मधुबाला यहाँ आई थी,
अभी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है आपके यहाँ पे जो है ऐतिहासिक तालाब है, आते हैं हमारा ही प्रोग्राम है, थोड़ा बोलने दीजिए हमको भी। ऐतिहासिक जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, देखिए कैसे बुला रहे थे। हाँ बोलिए। ये झरिया में अतिक्रमण है, लल्ली साफ नहीं हो रहा, पूरा अतिक्रमण जाम है, चलने का आदमी का गाड़ी का जगह नहीं है, पूरा अतिक्रमण से जाम है। बड़का बड़का बिल्डिंग रोड पे है तो देख के पुरनका लग रहा, तो इसको तोड़ेगा कैसे, उसके नीचे नीचे ही तो इतने सारे लोग है। नल्ली जाम है ना, पूरा नल्ली अतिक्रमण से मुक्त है, उसको कोई साफ करने वाला है? पार्षद को बोलता है, पार्षद कुछ नहीं कर पाता, पार्षद कैसे करेगा? कोई आदमी प्लास्टिक डालता है, सब करता है, दुकान के आगे बाहर निकल। ये लेकिन बहुत अच्छा बात बोले हैं, ये तो मधुबाला भी बोलती है कि आप जो है जनता जो है वो अगर खुद जागरूक नहीं होगा तो सरकार आ जाए, अगर आप खुद अपना जो तरक्की है उस पर हाथ नहीं साफ कीजिएगा तो कैसे होगा भाई। गंदगी की भी तो आप ही को साफ करना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे बहुत भीड़ हो गया है और सब पुलिस वाला आके हमको बोलेगा मधुबाला जी यहाँ से हटिए, तो बहुत भीड़ कर दिए हैं इसलिए पहले ही हट जाते हैं, हमको डर लगता है। झरिया शहर जो है ये छोटका है लेकिन बहुत मामला में जो है वो बहुत चर्चा में रहता है। आगे आगे देखते हैं और भी का का चर्चा निकल के आता है। चलिए प्रणाम भैया जी। प्रणाम। आप यहाँ काम करते हैं? जी नहीं, बिजनेस करते हैं। आप बिजनेस करते हैं, ये खदान में कौन काम करता है? मजदूर काम करता है। आप करते हैं? जी मैं नहीं करता, मैं एक निवासी हूँ। अच्छा, तो यहाँ यही आसपास में घर है आपका भी? मैं झरिया से आगे हट गया है। आसपास में मेरा घर है। जी अच्छा, बोलिए। तो इसको कहा जाता है कि नीचे आग जलते रहता है, डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, यहाँ सब लोग जो है ना अपने जान को हथेली पर रख के लोग रह रहा है, लेकिन यहाँ का जो गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधायक, सांसद, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल घटिया जिसे बोलिए या फिर बेकार बोलिए। आप भी ऐसा सोचते हैं? हाँ हाँ जी। आप मतलब आँख से दिखा रहे हो, मतलब उनकी सोच और आपकी सोच एक है, सही है। हमारी बात सुन लीजिए एक मिनट। मैं बोलना चाहता हूँ, झरिया जो है कोयले का खान है, ठीक है, काला हीरा भी लोग यहाँ बोलता निकलता है, और आपको कहने का मतलब इस जगह से पूरा भारत चलता है, पूरा भारत, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ का लोग जो है वो नहीं चल पा रहा। यहाँ का लोग जो है बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी गुजारता है। आपने भी आया तो बोला बहुत डस्ट उड़ रहा, दो मिनट में आपने बोल दिया डस्ट उड़ रहा, लेकिन हमें जिंदगी गुजारना है, गुजर भी रहा है सबका, लेकिन सोचिए दो मिनट में आपका क्या हाल हुआ और हम लोग जिंदगी भर यहाँ रहना है। आप क्या सोचते हैं? जो ही बोले वही हाल है हम लोग का। तो बच्चा उच्चा जो यहाँ पे है आपके आपके घर के बच्चे उच्चे लोग, तो इतना डस्ट उड़ता है उससे तकलीफ नहीं होता है? बीमारी होता है। आप लोग मजबूरन यहाँ रहने को मतलब रहते हैं? सरकार से मांगा जा रहा है, मिलेगा तब तो हटेगा यहाँ से आदमी। आप क्या बोलते हैं? बस जो लोग बोल रहा है वही हम भी बोलते हैं, यहाँ रहना मजबूरी हम लोग को। कहीं और अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा, बेहतर ही रहेगा, यहाँ से हटा दिया जाए तो जान भी ये धस सकता है, ऐसा सच है? कभी भी कई वो लोग यहाँ धस चुके हैं, या बनिया हीर में बाप बेटा दोनों जमीन में घुस गए हैं, 400 फीट 500 फीट गड्ढा में, कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता, उसके बाद अभी बेचारा उसी जगह पर रह रहा बगल में, क्या करेगा? सब लोग इसी तरह, आपका अभी गारंटी नहीं हम लोग घुस जाएंगे, इसका भी गारंटी नहीं है। अभी हम लोग खड़े हो सके नीचे चल जाएंगे, कोई भारी बात नहीं है। कौन गारंटी लेता, कोई है यहाँ पे लेने वाला गारंटी? ये बहुत तकलीफ वाले जगह में हम आ गए हैं, हमारा गाना जो है वो कहीं ना कहीं इन लोगों पर बहुत फिट बैठता है, क्योंकि जिंदगी गुजारना है तो इन लोग यहाँ रहने को मजबूर है, लेकिन अगर इनके तरफ सरकार का जो नज़र है ये जरूर से जाए, ये मधुबाला का प्रयास हमेशा से रहेगा, काहे कि इन लोगों का जिंदगी भी तो आपको ही देखना है, हर कोई बराबर है इस देश में, है कि नहीं, जीवन का अधिकार सबको। देने का स्टाइल देखे आप लोग, ऐसे झरिया में ना हमारा भी पसीना बहुत झर रहा है, थक गए हैं हम, नारियल पानी पीते हैं, आप लोग भी पानी उनी पीकर आइए, नारियल पानी है घर पे तो वो भी पी लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं, चलिए।
dang 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 देखने में एकदम छोटका सा था, उसमें पानी बहुत था। भैया जी धन्यवाद, बहुत अच्छा पिलाया आप, बहुत टेस्टी पानी था। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। हम देख रहे थे कि हम पीते पीते नारियल पानी पीते पीते बहुत भीड़ जमा हो गया, तो अच्छा है ना, हमको तो सवाल है करना है। आइए, अरे हमारे पीछे एक ठो बहन है, कैसी हैं आप? अच्छे हैं। वोट वोट करती हैं? हाँ, संजीव सिंह है ना, उनको मेरी फैमिली से है। एले, ये तो पार्टी वाला पकड़ लिए। कौन सी पार्टी से है? बीजेपी। तो इनको पूछना बेकार है, ये तो बोलेंगे बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो वो तो करते ही है, उसमें बोलना क्या है। तो यहाँ की जनता तो बहुत सारा शिकायत कर रही है, आपको लगता है कि यहाँ से फिर से बीजेपी जीत जाए तो यहाँ का माहौल चेंज हो सकता है? यहाँ बहुत सारा शिकायत आया कि नगर निगम काम नहीं करता है। नहीं, नगर निगम के जो अध्यक्ष है शैलेंद्र सिंह, वो तो सब कुछ करवाते हैं, सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कैसे शिकायत हो गया इनका? इधर का पता नहीं, हमारी तरफ तो बहुत सपोर्टिव है शैलेंद्र सिंह। देखिए इधर कितना सेल्फी उल्फी लिया जा रहा है, हमको बड़ी खुशी हो रहा है कि मधुबाला तो पॉपुलर हो गई। देखिए देखिए मधुबाला बहुत पॉपुलर हो गई है। ये देखिए मुस्कुराते हुए ले रहे, वीडियो ले रहे लग रहा है। ओ का है, टेलीकास्ट तो होता है टाइम पे, उसको देख लिया कीजिए। तो देश में जो हालात है उससे आप परिचित हैं? हाँ है। राहुल या मोदी? मोदी। का है? बस शुरू से बीजेपी के साथ रहे। बीजेपी आपके साथ रहा? अब रहे या नहीं रहे, देश को आगे बढ़ाना तो बीजेपी चाहिए। अच्छा, बीजेपी ही चाहिए। मैं मान लीजिए कि अभी मोदी बनाम राहुल चल रहा है, पता नहीं बीजेपी के और सब नेता लोग का चेहरा किधर चल गया है। कांग्रेस में भी कोई नहीं दिखता है, वो मुंह बंद वाले नेता जी भी नहीं दिखते, बस एक वो दिखता है। वो राहुल गांधी अब अपना हेल्प के लिए ला दिए हैं, प्रियंका गांधी डबल बांट रही है, हम नाम दिए हैं, और एक तरफ मोदी जी। तो ऐसा नहीं लगता है कि इन लोग सिर्फ दो चेहरों पर काम कर रहा है? जी नहीं, राहुल गांधी दो चेहरों पर काम नहीं कर रहे, राहुल गांधी जमीन पर काम कर रही है। वो हवा में बात नहीं करती है। वो समझ 72,000 आगे, 72,000 का आप 15,000 का जुमला तो आप सुन चुके हैं, मगर ये 72,000 जुमला नहीं है, ये 20% की जो आधी आबादी जो आबादी है उनको दिया जाने का है। उसमें वो राहुल गांधी एक मैंने वादा किए हुए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो उसमें मैं एक बात बताइए, थोड़ा सामने आइए, एक बात बताइए। जैसे कि सर ने बोला 72,000 जो है वो जुमला नहीं है, जमीनी है, और 15 लाख जो है वो जुमला था। तो अभी जो ये किसान विसान के लिए उन्होंने जो 60 साल के बाद पेंशन की बात कही है अपना संकल्प पत्र में, तो वो का लगता है, वो सही है कि वो भी जुमला है? देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार पिछला 5 साल में जितना भी बात कही है, हमको लगता है कि उसमें से 99% बात धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के मान सम्मान को पूरे विश्व में बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, इसके सामने कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति खड़ा होने की स्थिति में पूरे देश में नहीं है। जहां तक झरिया में स्थानीय समस्याओं का सवाल है, बहुत से लोग इस पर बोल रहे हैं, तो हमारा कहना है कि स्थानीय समस्या नगर निगम की समस्या है, उसके लिए नगर निगम का चुनाव तो आएगा ही। आज जब देश के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, तो देश के एक एक लोग को मोदी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, और 100% भाजपा की जीत तय है, राष्ट्रवाद की जीत तय है, और मोदी जी को जो विश्व का फतह करने का जो सिलसिला, जो अश्वमेघ का घोड़ा उन्होंने छोड़ा है, जब तक पूरे विश्व में भारत का डंका नहीं बच जाएगा, मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, देश की एक एक जनता मोदी जी के साथ है। देखिए इन्होंने अपनी बात जो है, अरे बिल्कुल बोलिए, लीजिए बोलिए। बोल रहे हैं कि इनका बात को मैं सही है, मोदी जरूरी है, ये पीएनसी मजबूरी नहीं है, ये पीएनसी देश के कोड़िया है। ऐसे आदमी अगर आ जाएंगे ना धनबाद जिला में, तो 4 साल से झक मारिए रहे, 5 साल से, 10 साल से, मैं इसको दरकार नहीं है मेरा को। इसकी जगह पर जो है झा जी अभी आया है
भागवत झा आजाद के बेटा जो देश के लिए माफिया भगाए हैं, मुझे ऐसे आदमी को चाहिए। मुझे भैया जी आपकी बात काट रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? काट नहीं रहे, मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं जो हूँ यहाँ का जो है, यहाँ पर ही जो है मैं ददय दुबे किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ही आप सांसद की बात कर रहे हैं कि सांसद जो है वो बदलना जरूरी है। ये देखिए, बहुत देखिए, जनता जो है वो एकदम सही सही बात जो है वो सही बात बोलने का जो हिम्मत रखता है, हमको उसको बहुत पसंद है। हम तो उसको सलाम करते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं। भैया जी कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या काम करते हैं? दुकान। ये आपका है? जी हाँ। लस्सी? तो अभी तो राजनीति में भी सब ऐसे घोटा रहा है। राजनीति में घोटा रहा तो साथ में आप लोग भी घोटिए, आम जनता परेशान है, सब बेहाल है। इसीलिए तो मधुबाला आई है कि आम जनता से पूछबे करेगी तब ना वहाँ तक बात पहुँचेगा। तो आपका दिल क्या कहता है? किस चीज में? यही अभी लोकसभा चुनाव है, 5 साल में जो सरकार आई उसने क्या किया, मोदी बनाम राहुल चल रहा है, तो आपको इन दोनों में से कौन लगता है कि अच्छा काम कर सकता है? देखिए, जो काम तो मोदी जी कर रहे हैं और काम आगे वो करेंगे, लेकिन बढ़िया नेता आवे, बढ़िया जनसंपर्क अपना रखे, सबसे मिले, तब तो जीतने के बाद 5 साल नजर ही नहीं आते हैं। जीतने के बाद तो 5 साल नजर ही नहीं आते हैं। तो यहाँ से जो आपके नेताजी लोग आते हैं, खड़े होते हैं, तो क्या लोगों के लिए वो कोई काम नहीं आते? काम क्या, देखिए उनको जब ड्यूटी रहता है वो अपना आते हैं, उसके बाद तो फिर दर्शन ही दुर्लभ है उनका। अभी तो चुनाव आ गया है, तो क्या उन लोग अभी तक आए नहीं है हाथ जोड़ करके कि दीजिए दीजिए वोट दीजिए? अभी तक तो आए नहीं है। कितना तारीख को है यहाँ पे? 12 मई। 12 मई के पहले दर्शन हो जाएगा? दर्शन तो होगा ही, जो खड़ा होगा आएगा ही। आएगा ही, तो भैया जी ने तो बहुत अच्छा बात कहा है। वाह, अच्छा एगो बात बताइए। अच्छा भाई भाई, ये देखिए ये मधुबाला को देख के रिश्तों भूल जा रहे हैं, ये तो बहुत मजेदार चीज है। हम क्रेडिट अपना लिए हैं, ये वाला मत सुनिएगा। तो ये दो ठो जो लस्सी लूसी किसका ज्यादा चलता है? सबका सबका अच्छा चलता है, सबका बराबर। गर्मी में खूब लस्सी पिया जाता है? गर्मी में बहुत बिकता है। झरिया में तो आग ही नीचे नीचे जलते रहता है, तो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, सबको ठंडाते हैं। बहुत सबको नीचे आग है, ऊपर ठंडा कर रहे हैं सबको। फिर से गर्मी लगा लू लग जाए? हाँ, नहीं लगेगा लू उससे। राहुल बनाम मोदी किसका चेहरा? मोदी, राहुल गांधी कहीं नहीं है, कभी नहीं आएगा। अरे लेकिन आप लोग मोदी मोदी करते हैं, मोदी के नीचे जितने भी नेता लोग आते हैं वो तो आप लोग का हाल बेहाल करते हैं। सिर्फ मोदी, सिर्फ नरेंद्र मोदी। यहाँ से जो प्रत्याशी खड़े होते हैं वही ना आप लोगों को दिक्कत करते हैं? नहीं, दिक्कत नहीं होता है, सब ठीक है, सब ठीक है। मामा भांजा में देखिए कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों अलग अलग बात किए हैं। हम पियेंगे। भांजा वाला लस्सी है, मजा आ गया। बाला जो है उनको पता चल गया है कि बड़का भाई है, वो छोटका भाई है, जिन्होंने हमको लस्सी पिलाया, दोनों ही बहुत स्वीट है। आपको क्या लगता है ये जो राहुल गांधी स्वीट स्वीट चेहरा बना के इतना इतना वादा कर रहा है, इधर प्रधानमंत्री जी 5 साल से काम किए हैं, ऊपर से संकल्प पत्र लाए हैं, दोनों में से कौन बेहतर? ऑप्शन हमारे पास कोई है नहीं, मेन एक ही है मोदी जी, इसलिए क्योंकि पिछले 47 साल तक उनके पूरे परिवार ने राज किया, जो दलदल उन्होंने जमा करके रखा है 5 साल में वो दलदल ख़त्म नहीं होगा। कम से कम 15 से 20 साल तक मोदी जी को यहाँ रहना चाहिए, वो रहेंगे, उसके बाद योगी जी है, ये दलदल तभी ख़त्म होगा, गरीबों का उत्थान तभी हो पाएगा जब मोदी जी रहेंगे यहाँ पर, और ये मुमकिन तभी है जब हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक हमें लगता है, झरिया के लोगों के वासी जितने भी लोग हैं,
मोदी को ही सपोर्ट करेंगे, खुलकर मोदी को सपोर्ट करना है, वो सपोर्ट करते रहेंगे वो लोग। हमारे पूरे परिवार सब मोदी भक्त है। मैं भी झरिया नगर भाजीमो से उपाध्यक्ष हूँ, रक्तदान भी करता हूँ। जितने भी लोग हैं, अधिकतर जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, जिससे भी जुड़ा हूँ, सभी लोग अधिकतर सब मोदी भक्त है। और ये झरिया जिस दिन चुनाव होगा उस दिन, ये चुनाव का लोकतंत्र का जो बहुत बड़ा पर्व है ये, उस दिन मोदी मय हो जाएगा पूरा ये। धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा है। इन्होंने हर कोई तो बोलता है कि ये काम है, वो काम है, वो काम है, हमको बोलने का अधिकार है, ये कौन पैपो पैपो किए जा रहा है। हाँ, तो इनका तो कहना है कि दलदल जो है वो साफ करने में 15-20 साल लग जाएंगे और लोग 5 साल में ही थक गए हैं। अब तो ये आप ही लोगों को फैसला करना है भाई, चुनाव तो आ गया है, देख लीजिए। जिंदगी जो थम गए, मधुबाला को भी यही थमना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे कभी स्टेशन हुआ करता था, रेलवे लाइन गुजरती थी, ये झरिया रेलवे स्टेशन है, एकदम चमचमाता था। लेकिन क्या है ना, ये मिट्टी के नीचे जो आग जलता है, ये वीरान पड़ गया, सूना पड़ गया, अकेला पड़ गया। मधुबाला इसी उम्मीद के साथ यहाँ रुकती है कि जो सरकार आवे, चाहे किसी का भी सरकार हो, सरकार आवे और झरिया पर ध्यान दे, जैसे कि झरिया पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत, पहले तो ये बहुत चमचम करता था, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, आबाद हो जाए, खुशहाल हो जाए और झरिया की जो जिंदगी है, आम जिंदगी, वो भी सुधर जाए। दांग दग दगड़े दांग दग दूम, दांग दग दगड़े दांग दग दूम, दांग दग दगड़े दांग दग दूम, दांग दग दगड़े दांग दग दूम।